हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपने एडमिशन लिया है गुजरात यूनिवर्सिटी में, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ कि गुजरात यूनिवर्सिटी में जब भी हम एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के वक्त फॉर्म भरने से लेकर कॉलेज जब शुरू नहीं हो जाती तब तक की पूरी प्रोसेस आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी दोस्तों हर बार की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, आपके कॉलेज फ्रेंड जो भी एडमिशन लिए हैं उन्होंने जो ले चुके हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो भी कुछ नया अपडेट जान सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल के बारे में बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ये रेड बटन पर या यूट्यूब पर जाकर टैली डिजिटल क्लास सर्च करेंगे आप तो ये हमारा नाम आ जाएगा। ये हमारा लोगो, कंपनी का लोगो है, चैनल का लोगो और ये नाम है हमारा, ये इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मैं इसके अंदर जाकर मैं हमें दिखा देता हूँ। देखिए, ये मैंने काफ़ी बढ़िया, ये वीडियो में जाएंगे आप तो मैंने पहले यूनिवर्सिटी की अपडेट्स जो है वो मैंने दे चुका हूँ। देखिए, हाउ टू चेंज कॉलेज, अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपका मेरिट लिस्ट देखना चाहते हैं तो मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं। इसके बाद ईद उल फितर का महीना था, ईद आई थी अभी, तो मेरी तरफ से मुस्लिम भाइयों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। और गुजरात एडमिशन के जो न्यूज़ है गुजरात यूनिवर्सिटी की थी उसके बारे में इसमें भी मैंने बताया हुआ है कि एडमिशन्स कौन सी तारीख को मेरिट होगा, कब एडमिशन स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है, उसके बारे में इसमें बताया हुआ है। इसके बाद गुजराती एडमिशन के कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, इसके बाद कैसे हम गुजरात यूनिवर्सिटी के एडमिशन का फॉर्म हम कैसे भरेंगे, उसके बारे में ये वीडियो है। तो मैं आज के इस वीडियो में बताता हूँ कि देखिए, सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है गुजरात यूनिवर्सिटी में, आपको एडमिशन लेना है बीकॉम में या किसी भी उसमें, आपको सबसे पहले फॉर्म भरना होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी, सबसे पहले तो आपको कॉलेज में जाकर पिन नंबर लेना होता है। पिन नंबर लेने के बाद उसमें आपको एडमिशन लेना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन वेबसाइट में जाकर। उसके बाद गुजरात यूनिवर्सिटी फर्स्ट मेरिट जाहिर करती है, पहला मेरिट में नए नाम अलॉट करती है। अगर समझो कि आपका कोई भी कॉलेज में नाम आ गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई में नाम नहीं आया, कोई भी कॉलेज में आपका नाम नहीं आया, तो गुजरात यूनिवर्सिटी दूसरा मेरिट लिस्ट जाहिर करती है। अगर दूसरा मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं आया, जिन लोगों का नाम नहीं आया उनको घबराने की कोई बात नहीं है। तीसरा मेरिट लिस्ट नहीं आता, लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी का जो हेल्प सेंटर है वहाँ पर ऑफलाइन एडमिशन होता है, उसकी भी डेट फिक्स होती है। अभी डेट नहीं आई है ऑफलाइन की, अभी पहला मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर जिन लोगों का नाम नहीं आया तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है, दूसरा मेरिट लिस्ट और आने वाला है। अगर दूसरे मेरिट लिस्ट में भी आपका नाम नहीं आता तो फिर आपको ऑफलाइन एडमिशन लेना होगा। दोस्तों, ऑफलाइन एडमिशन में आपका कंपलसरी एडमिशन हो जाएगा तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। तो दोस्तों, ये छोटा सी वीडियो था आपका, इस छोटे से इन्फॉर्मेशन के साथ। ये वीडियो आपको कैसा लगा है लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप GST के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप देखना चाहते हैं तो उसकी भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। देखिए, हाउ टू फाइल GST R1
और GST में रजिस्ट्रेशन कैसे लेना है उसके भी मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। इसके बाद थोड़ी जे लेट फी एग्ज़ाम डेट GST अपडेट ये। और हाँ दोस्तों ये इस वीडियो में गुजरात यूनिवर्सिटी का रिजल्ट होता है, एडमिट कार्ड कैसे देखना है उसके बारे में ये वीडियो है मेरी। और इसके बाद ये GST की अपडेट्स जो भी आती है वो मैं यहाँ पर देता रहता हूँ। ये GST की इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर दी हुई है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, आप देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसके बाद मैंने TDS का भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद BCOM SEM 2 का बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, देखिए ये, और SEM 4 के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, देखिए BCOM SEM 4। और इसके अलावा अगर कुछ भी IMP आती है तो उसकी भी वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ, ये देखिए। इसके बाद टैली ERP 9 का भी मैं वीडियो बनाता हूँ, शॉर्टकट कीज वगैरह जो भी होती है उसकी भी मैं बनाता रहता हूँ, ये देखिए मोस्ट IMP मैंने जो अपलोड की थी। और इसके बाद टैली ERP 9 का वीडियो, BCOM SEM 4, ऐसा सारे वीडियो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा, देखिए गुजरात यूनिवर्सिटी BCOM, BCOM SEM 4, BCOM SEM 4 स्टेट टैक्सेशन ऑडिटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टेट GST अमेंडमेंट, देखिए GST के जो भी अपडेट है उसके बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ, GST रिटर्न के वीडियो बनाता हूँ, GST के वीडियो बनाता हूँ। इसके बाद GST रिटर्न ई वे बिल में जो भी अपडेट आता है उसकी वीडियो मैं बनाता हूँ, देखिए। इसके बाद TDS में जो भी अपडेट वीडियो है वो मैं बनाता हूँ, टेली ERP 9 की भी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो ये दोस्तों छोटा सा इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए था, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्मेशन कर दें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के यूट्यूब ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।